Hello friends, welcome again to the world of Maths by MEA. So this one is one of the SSC 2018 CGL question. And question बहुत easy है, thumbnail से, it's a 10 second question. Yes, obviously ये 10 second का question है. Even exam में भी ये 10 second का question होता, अगर मैं exam दूँ, या कोई और भी exam दे, जो इस question को उस नजरिए से देखे. Now, इस question को किस नजरिए से देखना है, ये आपको पता होना चाहिए. तो first of all, हम देखते हैं concept इसका. We will see the concept of this question. X is subtracted from these four numbers order to become a proportion. Proportion का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास A, B, C, D four numbers हैं, then a proportion means A by B is equal to C by D. ऐसा दिखता है, मुझको पता है. And हमें subtract करना है. Subtract करना है, इसका मतलब क्या करना है? 21 minus X upon 22 minus X is equal to 60 minus X upon 64 minus X करना है. Cross multiply करना है. X का value निकालना है और इसमें put कर देना है, answer लेना है. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर देंगे, आंसर निकालेंगे. बट अगर आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, सो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन. एंड मैं अभी डिस्कस क्यों कर रहा हूं, बिकॉज यू हैव सीएचएसएल, यू हैव एनटीपीसी, यू हैव मेनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय टीसीएस और इट्स वेंडर. तो उनके वेंडर से इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, तो हो सकता है ये क्वेश्चन दोबारा दिखे. तो इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, आंसर आएगा. बट विदाउट इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करें? So if you know the age problem अगर आपको पता होगा, and this one is not a new concept generated by me, ये बहुत basic concept है. मैं इस question को जब पहली बार देखा था तो मैंने इसी concept से solve किया था. ऐसा नहीं है ये question exam के बाद मैंने create किया है कि अच्छा मैं इतना सोचा हूँ. तो this one is quite easy. अगर आपके पास दोनों side xx दिखता है तो हम लोग करते क्या है, gap निकालते हैं. Age problem में भी आप gap को merge करते हो. यहाँ gap कितने का है आपका? 1 का. यहाँ गैप कितने का है? 4 का. तो हम लोग गैप को इधर उधर मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी मल्टीप्लाई गैप 4 इधर इंटायर 4 ऊपर 4 नीचे भी आप मल्टीप्लाई करते हैं. एंड इधर गैप 1 और 1 मल्टीप्लाई करते हैं. गैप मल्टीप्लाई करने से होता क्या है, नंबर इक्वल हो जाता है. सो नंबर इक्वल हो जाने से क्या मतलब है? मतलब है कि 21 माइनस एक्स इंटू 4 इक्वल हो गया है 60 माइनस एक्स के. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ देखिएगा 84 माइनस 4x इक्वल हो गया 60 माइनस एक्स के. इसका मतलब 24 इक्वल हो गया है 3x का. तो x का वैल्यू 8 है. मेनली हमें 8 निकालना है और 8 को अगर हम यहाँ पुट कर दे तो ये 9 हो जाएगा. 8 7 जा 56 प्लस 8 64 और इसका मीन प्रोपोर्शन का मतलब अंडर रूट निकाल दो एंड दिस वन इज नथिंग बट 24 आंसर होगा. तो इस क्वेश्चन में मीन आपको निकालना है 8. तो हम इतना भी नहीं करते हैं, जब हम देखते हैं एज प्रॉब्लम अपने क्वेश्चन में तो आपको कुछ देखना नहीं होता है. आपको देखना होता है 21 माइनस एक्स और देखना होता है 60 माइनस एक्स, बिकॉज आपने यही लिखा है. एंड इन दोनों का गैप देखना होता है. इन दोनों का गैप कितना है? 1 का. इस दोनों का गैप कितना है? 4 का. तो उधर से गैप इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर का गैप इधर मल्टीप्लाई कर दो. तो ये आपका कितना हो गया? 84. ये कितना हो गया? 60. और इन दोनों का गैप कितना हो गया? 24. एंड यहाँ पे आपका क्या है? माइनस 4x. यहाँ क्या है? माइनस एक्स. इनका गैप कितना हो गया? 3. इसका मतलब 8 हो गया, x हो गया 3. और पुट कर दिए, आंसर निकाल दीजिए. तो आई होप ये क्लियर है. हो सकता है आपको इस समझ में नहीं आया. तो आप कोई भी क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं. मींस अगर आपका एज प्रॉब्लम हो या प्रोपोर्शन प्रॉब्लम हो, मैं क्वेश्चन फिर से लेता हूं कि 15 है, 17 है, मान लो यहां 20 है और यहां 27 है. मैं कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करूं इस चारों में कि वो प्रोपोर्शन में आ जाए? तो मुझे पता है कि यहां पे आप करने वाले हैं 15 माइनस x, यहां करने वाले हैं 20 माइनस एक्स. मतलब आप फर्स्ट प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में काम कीजिए. इनका गैप 7 है, इनका गैप 2 है, तो 2 को यहां मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को यहां मल्टीप्लाई कीजिए. आप जैसे ही 7 मल्टीप्लाई कीजिए तो दिखेगा 105 और ये दिखेगा 7x. इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है. ये दिखेगा 40 और ये दिखेगा माइनस 2x. इसका गैप निकालिए, दिस वन इज नथिंग बट 65. इसका गैप निकालिए 5, तो ये आपका हो जाएगा 13. तो अगर आप 13 माइनस करोगे तो ये दिखेगा 2, ये दिखेगा 4, ये दिखेगा आपका नथिंग बट 7 और ये दिख जाएगा 14. आंसर आ जाएगा. सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आई होप आपके लिए क्लियर होगा. और ये कहीं नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं इसको लेके आ रहा हूं या मैंने डेवलप किया है. ये पहले से एज प्रॉब्लम रेशियो मर्ज आपको पता है. तो फॉर बेटर क्लैरिटी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या वो 10 सेकंड में होगा या नहीं होगा. सो ये क्वेश्चन आपके पास है. एक्स सबट्रैक्ट करना है 33, एक्स सबट्रैक्ट करना है 33 और 70 में. आपको कुछ करना नहीं है. इनका गैप कितना है? इनका गैप 3 का है, तो आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो. इनका गैप 10 का है, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई करो. यहाँ का गैप कितने का है? 3 का. यहाँ का गैप 10 का है, तो 10 को उल्टा मल्टीप्लाई करो. यहाँ 300 हो जाएगा, यहाँ 210 हो जाएगा. 300 माइनस 210 आपका दिखेगा 120 और इनका गैप है 7,
तो यही मेरा x होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको देखना है फर्स्ट प्रोपोर्शन जो कि 33 है, आपको देखना है 70 जो कि थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड और फोर्थ का गैप यहां मल्टीप्लाई करके 330 बना दीजिए, यहां मल्टीप्लाई करके 210 बनाइए, तो 300 में से 210 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और ये गैप के गैप को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही आपका आ जाएगा x। और आपसे पूछा गया है पी प्लस क्यू में पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, तो पी प्लस क्यू का वैल्यू हमारा 127 होगा और यही आंसर होगा। और मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत पहले से हर एक लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने डिस्कस किया है, बस मैंने आपको ये बताया है कि इस सारे क्वेश्चंस में आप गैप मर्ज करके सॉल्व कीजिए, शायद आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे, तो आई होप आप फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। एंड मैं क्यों बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये देखा गया है कि क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इसको देख लीजिए जाइएगा प्लीज, मेरा ये सजेशन है। और ये हिंदी में है इसलिए बिकॉज सबको समझ में आए, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज एक होमवर्क 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में आप सॉल्व करके बता दीजिए। तो ये रहा होमवर्क आपके सामने, आपको 23, 25, 60 और 68 में क्या घटाए कि वो प्रोपोर्शन में हो जाए और x का वैल्यू p बाई क्यू है, तो आप ये बता दीजिए p प्लस क्यू का वैल्यू क्या है। आई होप दिस वन इज समथिंग जो आप अपनी लर्निंग के थ्रू इंप्रूव कर रहे हो अपने क्वेश्चन में। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो रिवाइंड कीजिए और देखिए एंड अपना बेस्ट दीजिए। अपकमिंग जैसे एग्जाम CHSL हुआ, NTSC, NTPC हुआ या बाकी जो छोटे एग्जाम्स हैं या बड़े एग्जाम्स हैं जिसमें भी ये क्वेश्चन दिख सकता है, प्लीज दीजिए। सो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको दिखते रहेंगे। बाय बाय।